हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप लोग आकाश राणा की तरह वॉइस एडिट कैसे कर सकते हो। जैसे कि आकाश भाई की रील वीडियो पे देखे होगे, वॉइस बहुत ही अच्छी आती है एंड आप लोग भी अपनी रील्स पे उस तरीके से वॉइस को एडिट करना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखना। एंड अगर इस वीडियो पर कुछ भी नया सीखने को मिले, कुछ भी नया जानने को मिले, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी ऐसी वीडियो अगर हमेशा देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चले गाइज, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो सबसे पहले आप लोगों को अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे रेड कलर का। यहाँ पे देख सकते हो प्लस का जो आइकन बना है, इस पर आप लोग क्लिक कर देना। एंड यहाँ से आप लोगों का वीडियो का फ्रेम जो भी हो वो साइज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ मैं 9:16 रेशियो रखता हूँ। एंड यहाँ पे गाइज आप लोग अपने गैलरी के अंदर एंटर हो जाओगे, यहाँ से आप लोग अपनी वीडियो क्लिप को ले लेना, जिस भी आप लोग जिस वीडियो का वॉइस एडिट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आकाश भाई की एक एग्जाम्पल के लिए वीडियो ले ली है। एंड इतना करने के बाद हम वीडियो पे एक बार क्लिक करेंगे, तो आप लोग जैसे ही वीडियो पे एक बार क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे साइड में यहाँ पे देख सकते हो म्यूजिक का एक ऑप्शन है, इस पे आ जाना। एंड अगर आप लोगों के वीडियो पे अगर थोड़ा सा कम साउंड है, कहीं कहीं पे ज़्यादा है, कहीं कहीं पे कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम ऑटो वॉल्यूम का यूज़ करेंगे। तो ऑटो वॉल्यूम वाला जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑडियो का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो 100 इसका वो है साइज है, ठीक है। तो इसको आप लोगों का अगर साउंड कम है अगर आप लोगों की वीडियो पे, तो इसको जैसे 200 करोगे तो उसका डबल हो जाएगा साउंड, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा आने लग जाएगा। एंड यहाँ पे जो पिच का है, इस टूल का यूज़ यही है कि अगर आप लोग इसको माइनस की तरफ करोगे तो आपकी आवाज़ मोटी आएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटी आएगी, भारी आएगी। एंड इसको अगर +6 के आसपास करोगे तो ये आएगा बहुत ही पतला आवाज़ आएगा, मतलब बच्चों की तरह, ठीक है। तो आप लोग, मैं सजेस्ट करूँगा कि -2 एंड +2 के आसपास ही रखना, आवाज़ बहुत ही अच्छी एडिट होगी। तो कुछ इसी तरीके से आप लोग इन तीनों चारों का टूल का यूज़ करके आप लोग अपनी वॉइस को एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो यही थी गाइज आज की हमारी छोटी सी वॉइस एडिटिंग की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया हो तो मुझे एक बार और बताना, मैं कोई दूसरी ट्रिक लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ गाइज ऐसी किसी कमाल की नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।